आप सभी लोगों को एचपी YouTube क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों देखिए, इसके जो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी साधारण ब्याज के सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद आज ने आपको कुछ क्वेश्चन को हल कराने के लिए कहा था। दोस्तों देखिए, आज ये आपकी पहली क्लास होगी दोस्तों इसके सवाल के। मैं आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने के लिए कहूँगा। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जोड़िए। चलिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है। दोस्तों देखिए, 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पहले आपको हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, उसके बाद साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों देखिए, पहले हम इसको लिखेंगे, हमारा जो मान होता है दिया है। बेसिकली इसको देखा जाए तो हम कैसे इसको हल करते हैं। देखिए पहले देखेंगे पी, पी बराबर आपका दिया है 500 रुपए दिया है दोस्तों, और उसके बाद आपका जो आर का मान दिया है वो दिया है 10% दिया है। एन बराबर आपका दिया है 2 वर्ष दिया है। कितना दिया दोस्तों? 2 वर्ष। तो इसके बाद मैंने आपको सूत्र लिखाए थे, जो आपका सूत्र क्या बनता है, साधारण ब्याज को एस आई से लिखा जाता है। एस आई बराबर पंडित तोता राम बटे सौ, पंडित तोता राम बटे सौ। आप देखिए दोस्तों, इसका जो पंडित है वो आपका है 500 रुपए है। कितना है? 500 रुपए। जो टी का मान दिया है वो दिया है 2 दिया है। जो आर दिया है वो दिया है दोस्तों 10%, बटे लगा दिया गया 100। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से आपका 2 जीरो यहां से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब आपका बचा है कितना, 5 × 2 अर्थात 5 × 10 100 रुपए दोस्तों। तो इस तरह से जो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, ये देखिए 100 रुपए आ गया। इसके बाद देखिए भाई क्या होता है कि हमें अगर आपसे इस प्रश्न में कहे कि साधारण मिश्रधन कितना होगा, जो टोटल अमाउंट की बात करता है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए जो साधारण मिश्रधन होता है उसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखाया, ए बराबर पी प्लस क्या लिखाया था, एस आई लिखाया था। पी प्लस क्या लिखाया था, एस आई लिखाया था। तो ए बराबर आपका आ गया पी, पी का मान आ गया आपका 500 रुपए, उसके बाद एस आई आपका निकला कितना दोस्तों, 100 रुपए निकला। अब यहाँ दोनों को जोड़ लेंगे तो इस तरह से जो हमारा टोटल अमाउंट निकल गया वो कितना निकल गया, 600 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके पहले क्वेश्चन में देख लिया कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है और उसके बाद मिश्रधन कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। आई होप आप लोग सभी इसको अच्छे से उतार लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है इसको भी हम उसी अंदाज से लगाएंगे। दोस्तों देखिए, इसमें हमारा जो पी का मान दिया है वो दिया है दोस्तों आपका, ये देखिए 1000 रुपए दिया है, 1000 रुपए दिया है। जो हमारा आर का मान दिया है वो 5% दिया है दोस्तों। जो एन बराबर दिया है वो आपका दिया है 3 वर्ष दिया है दोस्तों। देखिए अब हमारा जो सूत्र बनता है एस आई बराबर वो बनता है आपका पंडित तोता राम बटे सौ, पंडित तोता राम बटे सौ। पंडित हमारा है आपका पी, 1000 रुपए दिया है, उसके बाद आर जो टी दिया है, टी हमारा दिया है 3 वर्ष, आर दिया है हमारा 5% दिया दोस्तों। अब देखिए यहां से हम इसका भाग कर देंगे 100 से, ये देखिए 1 2 1 2 2 0 2 0 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया दोस्तों। अब देखिए आपका बचा 10 × 3 × 5 बचा। अब देखिए यहां से हम पूरा कर लेंगे, 5 × 15 15 = 150 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा एस आई निकल के आ गया वो आ गया आपका कितना निकल के आ गया, 150 रुपए आ गया। अगर इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो हमारा इसका मिश्रधन होता है, टोटल जो अमाउंट होता है वो ए बराबर पी प्लस क्या होता है दोस्तों, एस आई होता है। पी आपका है 1000 रुपए है,
प्लस एसआई आपका निकल के आ गया है दोस्तों आपका 150 रुपए। तो इस तरह से दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1150 रुपए दोस्तों। ये टोटल हमारा क्या निकल गया दोस्तों, मिश्रे धन निकल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसके बाद मैं इसके जस्ट दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। जी दोस्तों देखिए, अब आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगर आप लोग मेहनत करोगे तो मैं आप लोग को बेसिक जानकारी अच्छे से दूंगा। इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसके बाद आपको यहां से मिलेगा जो परसेंटेज होगा वो आपका बटे में होगा। उसके बाद जो आपका समय होगा यहाँ दोस्तों वो आपका वर्ष में देगा, उसके बाद वर्ष के साथ साथ माह भी देगा, बाद में आपको केवल माह के लिए दे सकता है दोस्तों, उसके बाद फिर अगर बात करें तो दिन भी दे सकता है दोस्तों। तो उसके लिए भी हम आप लोग को अच्छे से सिखा देंगे। पहले इन सिंपल क्वेश्चनों को देखते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको बदल कर लाऊंगा दोस्तों। देखिए यहाँ जो आपका अगला क्वेश्चन है वो 1200 रुपए का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो हमारा है पी, हमने बताया पी बराबर आपको कितना दिया है दोस्तों 2000 रुपए दिया है, सॉरी 1200 रुपए दिया है। उसके बाद जो आर का मान दिया है वो आपका दिया है 25% दिया है, एन बराबर आपका दिया है 2 वर्ष दिया है दोस्तों। तो देखिए अब आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पंटी तोता राम बटे सब पी आर टी बटे 100। ठीक, पी का मान आपका दिया है 1200 रुपए गुणे टी का मान दिया है आपका 2 दिया है और आर का मान दिया आपका दोस्तों 25 दिया है बटे कितना 100। इस तरह से 2020 हमारा क्या हुआ कैंसिल हो गया, यह बचा आपका 12 गुणे, इस तरह देखिए अगर गुणा कर ले तो 25 गुना कितना हो जाएगा 50 और इसका हम गुणा कर ले तो 12 × 5 = 60, 600 रुपए आपका निकल के आ गया एसआई साधारण ब्याज निकल के आ गया दोस्तों। अब देखिए इसके बाद मैं करूं बात यहां से मिश्रधन की, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, वो आपका होता है पी प्लस क्या होता है एसआई होता है। अब देखिए तो अब देखिए हमारा दोस्तों पी का मान दिया है आपका 1200 रुपए दिया है प्लस एसआई जो दिया है आपका वो दिया है 600 रुपए दोस्तों। तो यहां से देखिए आपका निकल के आ गया 12 कितना हुआ 1800 रुपए। तो ये आपका 1800 रुपए इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ गया। देखिए दोस्तों इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है आप ऐसे ही लगाना, जिन क्वेश्चनों को दिक्कत होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ लेना, सर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं समझ में आया मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा दोस्तों। देखिए अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और आगे विस्तृत जानकारी दूंगा ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं इसके तुरंत जस्ट अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों आज का। देखिए आपकी बात थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने परिवर्तन किया है। देखिए दोस्तों क्या दिया है कि 2000 रुपए का 21/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। देखिए आपकी बार मैंने परसेंटेज को बटे में रखा है ठीक, तो देखिए इसको भी कैसे हल करेंगे, पी पी बराबर आपका दिया है दोस्तों 2000 रुपए दिया है, पी बराबर आपका दिया है दोस्तों 2000 रुपए दिया है। उसके बाद अगर बात करें आर बराबर आपका दिया है 21/4% दिया है, एन का मान दिया है हमारा 2 वर्ष दिया है दोस्तों। आप देखिए इस तरह से हमारा जो एसआई निकलता है वो निकलता है पंडित तोताराम बटे सब। अब देखिए पंडित आपका हो गया दोस्तों 2000 रुपए ठीक, और जो टी का मान दिया है वो आपका दिया है 2, जो आर का दिया है वो दिया है दोस्तों आपका 21/4। देखिए दोस्तों कभी कभी इस तरह से आप इसको लिख सकते हो बटे हमने कर दिया 100, क्या कर दिया 100, या कभी कभी इसी कैलकुलेशन को 21/100 गुणे हम 4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए इसका हम यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं, देखिए ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया दोस्तों। अब ये काटिए 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, तो इस तरह से निकल के आ गया 5 × 2 × 21,
अब इस तरह से अगर इसका मल्टीप्लाई करें तीनों को तो 5 × 2 = 10, 10 का अगर 21 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा दोस्तों 210 रुपए। अब आपका हमारा ये 210 रुपए जो निकल के आ गया वो क्या निकला, साधारण ब्याज निकला। उसके बाद ए की बात करें, ए बराबर आपका होता है एस आई प्लस क्या होता है पी। अब देखो 210 प्लस में पी की वैल्यू रख देंगे हम 2000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकल गया 2000 ये और प्लस 210 ये, तो 2000 में 210 जोड़ेंगे कितना होगा 2210 रुपए, 2210 रुपए आपका निकल गया टोटल अमाउंट निकल गया। जी दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊंगा, जो आपका समय रहेगा वो महीने में रहेगा और दिन में रहेगा, तो मैं उसको कैसे निकालना सिखाऊंगा दोस्तों। आज के लिए, तब तक के लिए बस इतना ही, आगे आप लोग को कल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।